12 जून को यहाँ से हदायत राणा सनाउल्ला साहब ने पंजाब गवर्नमेंट को दी भी थी। उस मीटिंग में आप मीटिंग में मौजूद थे राणा सिकंदर हयात साहब को टीचर्स के इश्यूज के हवाले से मीटिंग पे रुकी। उसके बाद एक मीटिंग भी हुई, हमारे बशीर वड़ैक साहब कन्वीनियर थे, वो उसके ऊपर गए भी, बट इंस्टेड ऑफ वो इश्यू रिजॉल्व करने के हवाले से अब वो बिल्कुल सीन फंसा के जो है ना जाती अनार के अंदर जो है बैठ चुके हैं। तो अगर पंजाब गवर्नमेंट जो है वहां पे बच्चे अगर उसके अंदर है तो बड़े भाई का या वालिद का रोल अदा करते हुए यहां से डायरेक्शन दे कि बड़ी बेचैनी जो है वहां पे पूरी टीचर कम्युनिटी के अंदर जो है, पहले प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बातचीत चल रही थी, कोई उनके अपने इश्यूज पे थे ही थे, अब एक TNA टेस्ट जो है वहां पे जो है एक इंट्रोड्यूस करवाया और उसके ऊपर एतमाद में भी लिया गया कि TORs तय कर लिए जाते कि भाई अगर पांचवी क्लास का बच्चा है तो उसको जिसको पढ़ा रहा है टीचर तो पांचवी के सिलेबस के हवाले से आप टेस्ट लेना जो पढ़ाता आ रहा है 10 साल से, कुछ सातवीं आठवीं उसी हवाले से। बट वो क्या है TNA टेस्ट मैंने भी नहीं देखा, वो TORs के ऊपर जो हमको जो एतराज है तो पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से जो है फेडरल करे और इस हवाले से काम कर रहे हैं साहब इंशाल्लाह उसके ऊपर यहाँ से डायरेक्शन जाएगी वो रिजॉल्व करेंगे जो आप कंसर्न टीचर कम्युनिटी के खास तौर पर लीव इनकैशमेंट का जो मैंने पहले भी कहा कि एक कमिटमेंट हुई है गुज़िश्ता 1 साल हो गया है, बट जो मेन इशू है आई एम 100% श्योर कि मैडम तक जो है वो इशू पहुंच ही नहीं रहा और उसके लिए मजबूरन आतंक आवाज पहुंचाने के लिए हमें एहतजाज करना पड़ता है और एहतजाज एक आखिरी ऑप्शन है हमारे पास। अभी भी पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी का हमारे ऊपर जो प्रेशर है, लास्ट 26 तारीख को हमने वो प्रोटेस्ट भी किए जिसमें तनख्वाहों में तफरीक के हवाले से खास तौर पे हमारा इशू था, कोई अपने छोटे मुलाजमों को बेचारों को 2-2 स्केल दिए वो उसका मसला हल नहीं हुआ। अच्छा हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस 8-8 साल से वजारत खजाना के वहां पे बैठे हुए थे कि 1 से 16 को तो बिल्कुल यतीमों की तरह जो है ना वो कर दिया कि शुदर समझा जा रहा है कि मरात हमारे लिए नहीं है सारी चीजें। और रिसेंटली मुझे सबसे ज्यादा कुछ इस चीज से लगता है कि बैठ के कुछ अपने ना निकात बना लेते हैं सर। ये मैं आपको बता दूंगा आपने हवाला दिया ना पिछली बार ये उसके मिनट से सारे इट वॉज डिसाइडेड देखें कि कितनी जैसे मुझे भी याद है आपको भी याद है कि राणा सनाउल्ला साहब ने उसी वक्त 3-4 मिनिस्टर्स को ड्यूरिंग द मीटिंग कॉल कर डायरेक्शंस दी कि ये करें। हम ना कुछ आगे चलेंगे जिन जिन मिनिस्टर से मीटिंग रखवाई गई उनमें कितनी चीज इम्प्लीमेंटेशन होगी कितनी रहेगी और अब अगर मजीद कोई कंसर्न है तो वो इंशाल्लाह ताला लेके अच्छा मैं उसमें ऐड करूं 26 की मीटिंग के हवाले से जो हमारी लास्ट थी ये लीव इनकैशमेंट का इश्यू भी तनख्वाहों में तफरीक वाला ये एक एक प्वाइंट के हवाले से रेगुलेशन लिंक या फाइनेंस की उनके ऑफिसर्स भी बैठे हुए थे बट अनफॉर्चुनेटली राणा साहब अभी है नहीं, ये फैसलाबाद से आते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट है फाइनेंस को भी के फॉलो अप के हवाले से एक तो ये मिनट्स जो हैं इश्यू हो जाए कि जो डिस्कशन है डेफिनेटली राणा साहब इनको देख ले जो हमारी डिस्कशन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उस मीटिंग में नहीं थे। एक इश्यू हो जाए देखिए हमें अब रिजॉल्व की तरफ जाना है। अनफॉर्चुनेटली 6 तारीख को बहुत प्रेशर था हमारे ऊपर जैसा कि मैंने बताया, अब आप इसमें देखें कि हमारे पंजाब के अंदर हजारों के हिसाब से जो है टीचर्स को शोकास सैकड़ों के हिसाब से सस्पेंड और नौकरियों से फारिग कर दिया गया। अब इस सूरत हाल के अंदर आप एक्सपेक्ट करेंगे अभी तो सिर्फ टीचर कम्युनिटी है और ये टीचर्स कम्युनिटी के रिक्वेस्ट पे था कि जी हम अभी टीचर्स का इश्यू है जो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस है कि पंजाब की सारी तंजीमें वफाक की सारी तंजीमें खैबर पख्तूनख्वा की सारी तंजीमें कि जब हम अपने हक के लिए PTI के दौर में एहतजाज करते थे तो आप हमारी हमायत में होते थे तो अब पूरी कम्युनिटी जब इस वक्त मुश्किल का शिकार है तो हमने पाकिस्तान की मीटिंग जो है वो 6 तारीख को कॉल की है। उससे पहले हम चाहते हैं कि बैठ के चीजें सॉर्ट आउट हो, एक स्पेसिफाइड टाइम दें आप, डेफिनेटली हमने अपनी कम्युनिटी को भी जवाब देना है, आप एक टाइम दें हम 6 तारीख को वो एक टाइम लिमिट रख के अपनी कम्युनिटी को भी बताएं कि यहां पे तो आ जाके बात ही ये आती है कि जी ये तो बिक गए हैं ये झुक गए हैं। अनफॉर्चुनेटली पत्थर जो है उसी दरख्त को उसको पड़ते हैं जो फल दे रहा होता है, तो जो लीडरशिप है हमें अपनी कम्युनिटी को भी जवाब देना है। जो 6 तारीख को हमने वो पाकिस्तान की मीटिंग कॉल की है उससे पहले पहले ये राना तनख्वाहों की तफरीक के हवाले से तो एडमिट किया करता हूँ, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह
राणा साहब जब शेड्यूल का तो मुझे नहीं पता, ठीक है, जो चूंकि सारे मामले को सीए हेड कर रहे थे और मैं नहीं उनके साथ एज को टीम मेंबर, तो मंडे को हम कोशिश करेंगे, अगर वो इस्लामाबाद होते हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मंडे या ट्यूजडे, ठीक है। कल भी सारे एहतियात मैं क्या नहीं रख सकता।